एवरीबॉडी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्रिएशंस. हेलो रजनी मैम. हेलो आनंदिता. हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. रश्मि मैम, ऑलरेडी हमने ये एक प्यारा सा पेंटिंग रेडी किया है. आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा शाइन है इसमें ग्लास कलर्स के वजह से. सो अभी इसी को ही कंटिन्यू करेंगे. हेलो मेघा जी. हेलो मिता मैम. सो फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि हम स्टार्ट करेंगे, बाकी मेंबर्स जुड़ जाएंगे तो मजा आ जाएगा. चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे. आज हमें थोड़ा स्टोन वर्क करना है एंड दुपट्टा में कलर बाकी है, तो दुपट्टा में कलर कर लेंगे. मैं थोड़े शेड्स देख रही हूँ कौन से है. सो फिर हेलो भवानी मैम. हेलो चार्मी मैम. हेलो चारू मैम. हेलो रजनी जी. हेलो वैशाली मैम. क्या है, ऑरेंज कलर देन ब्राउन एंड रेड थोड़ा सिमिलर लगता है ना, तो अच्छे से देखते हुए चूज करना है, अदरवाइज हमारे कलर सारे गड़बड़ हो जाएंगे. पिंक. ओके हेलो वंदना जी. चलिए मैं तब तक कैमरा सेट कर लेती हूँ, आप भी शेयर कर लीजिए ताकि न्यू मेंबर ज्वाइन कर सकेंगे. विजिबल है पूरा, आपको अच्छे से दिख रहा है. थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सो मच. ओके सो ऑलरेडी हमने रेड कलर दे दिया है, आई थिंक इसमें कुछ लगा हुआ है. मे बी कैनवास का होगा. यहाँ पे कुछ कचरे जैसे गिरा हुआ था, सो मैंने हटा दिया. एंड अगेन हम उसमें रेड कलर ऐड कर देंगे तो वो कवर अप हो जाएगा. ठीक है. चलिए अभी देखिए, दुपट्टा में हमने उस दिन कलर इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें लाइट शेड्स चाहिए थे ना. सो मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ करूँगी एंड ऑरेंज. ओके सो एक्चुअली मैंने रेड एंड ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर जो है ना, तो वो सॉल्वेंट बेस यूज़ किए थे, बट अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस कलर्स बिकॉज नहीं मिले मुझे टाइम पे. तो एंड मैंने आपको जैसे बताया था ना, तो एक ही पेंटिंग में आपको दोनों ये समझ में आ जाएंगे इफ़ेक्ट कि कौन सा यूज़ करना चाहिए. हेलो ममता जी. हेलो सपना मैम. थैंक यू पुनीता मैम.
नो रश्मि मैम, मीनाकारी इज टोटली डिफरेंट, बट मीनाकारी जैसे इफेक्ट ज़रूर आ रहा है ना। ग्लास कलर में हम मीनाकारी वर्क करते हैं तो वो सिर्फ मीनाकारी का इफेक्ट है, बट एक्चुअली मीनाकारी वो वर्क जो है उसका मेथड टोटली अलग है ना। जैसे ढोकरा आर्ट हम घर में नहीं बना सकते है ना, वैक्स कास्टिंग नहीं कर सकते, सो फिर हम क्या करते हैं, मोल्डिट से बनाते हैं इसी स्टाइल से। हेलो गीता मैम, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम मेंबर्स अभी ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, ओनली 25 मेंबर्स आर वॉचिंग। आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है ना तो लाइव आने में मज़ा आ जाता है, अदरवाइज वैसे ही है कि हम ही आर्ट करते रहो तो। फिर तो वो सही लगता है कि अरे म्यूजिक लगा लो एंड अपना घर में आर्ट आर्ट बनाते रहो। जहाँ जहाँ पपल्स आए हैं है ना, थोड़े से तुरंत ड्राई होने के पहले उसे सेट कर देना है। ओके, छोटे छोटे होते हैं बबल्स पर टाइम लगता है ना। यस बिल्कुल, मीनाकारी वर्क करेंगे। एक मीनाकारी का ये हुआ है क्लास है ना, मीनाकारी ऑन मार्बल टाइल, मीनाकारी एंड मिनिएचर का कॉम्बिनेशन किया था हमने। मेरे पीछे ही फ्रेम लगा, फ्रेम लगा हुआ है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना मैं आपको शो कर दूंगी। अभी देखिए दोनों डार्क शेड के बाद में जब हमने दुपट्टा में येलो कलर लिया है तो कितना प्यारा लग रहा है। ये इस कैनवास पे काम कर रही हूँ, ये अभी 12x16 का साइज़ होगा, A3 साइज़ में काम कर रही हूँ मैं। हेलो नंदा मैम, एंड बहुत फाइन वर्क करना ठीक है, कहीं पे भी पेंसिल का वर्क या फिर ऐसे अनफिनिश ये मत रखना। ट्रांसपेरेंट कलर होता है तो एकदम ट्रांसपेरेंट लुक देंगे वो, तो मज़ा नहीं आएगा फिर। यस बिल्कुल प्लान करूंगी, ट्राई होने देंगे। तब तक जहां जहां मुझे शेड्स चाहिए ना, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर दिया।
कैनवास पे है। जहाँ पे फोल्ड से ये छोटे छोटे पार्ट है, यहाँ पे मैं डार्क शेड ऐड कर रही हूँ। हेलो सीमा मैम, फर्स्ट जो वीडियो है आप देख लेना, पेज पे सेव है, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है ना, पूरा ये जितना भी काम हुआ है अभी तक का सारा लाइव क्लास में ही हुआ है। सो एक बार वीडियो चेक कर लेना, मुझे बताने में कुछ ये नहीं है, बट कैसे हो जाता है उतनी क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना, जब काम करते रहते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके तो आप पूरा वो वीडियो ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मुझे जहाँ जहाँ शेडिंग पार्ट चाहिए वहाँ वहाँ मैं बबल्स नहीं आने चाहिए, दैट्स व्हाई मैं वाटर बेस में ये एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बबल्स बहुत रहते हैं एंड हमें बहुत बार बार उसे ये करना पड़ता है ना। हेलो नूर मैम, एंड अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है प्लीज़ फटाफट शेयर कर दीजिए। यस, ऑरेंज कलर ऐड किया मैंने। पोटली शो की है ना, तो उसी का इफेक्ट हमने। ओके अभी देखिए हमने जो ये रखे हैं है ना गैप्स, तो एक काम करते हैं, ये हमारा फोल्ड है ना, ये जो दुपट्टा है ये यहाँ पे बांध के उसका भी प्यारा सा इफेक्ट ऐड कर देते हैं। जितने भी अभी मेंबर्स देख रहे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। ऑरेंज कलर ऐड कर दिया।
यस बहुत। ये ना हम क्या करेंगे, ये जो रेड हमने स्कर्ट बनाया है ना, तो उसकी जो बॉर्डर है, ओके सो ये जो प्लेन लग रहा है ना, और गलती से ये रेड कलर देना रह गया है, तो मैं वो कलर ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने लिया येलो कलर, मुझे बॉर्डर का इफेक्ट देना है, तो फिर मैं येलो उसमें ऐड कर रही हूँ। ओके धीरे धीरे धीरे, इससे क्या होगा और फिनिश एंड एक प्यारा लुक आएगा। जो भी अभी देख रहा है प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सुधा जी। ओके मैंने सेम, हेलो नीरू मैम, मैंने सेम कलर इसलिए लिया बिकॉज़ वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा, दैट्स व्हाई ओनली नो। देन अभी हमें अगेन येलो कलर लगेगा। ओके बैंगल्स में एक अल्टरनेट ये ऐड कर सकते हैं। अगेन मैंने लिया रेड कलर। हेलो मदन जी, हेलो प्रेरणा मैम,
मैंने उसमें कॉम्बिनेशन में काम किया एंड उसमें मैं स्टोन लगाऊंगी तो वो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा ही बनने वाला है। ओके, अभी हमारा स्किन कलर और पायल और इसमें काम बचा है। मुझे तो शेयरर की कोई टैग दिख ही नहीं रहे हैं। ओके, सो मैंने ये काम कर लिया है। अभी थोड़ा सा हम स्टोन्स लगाएंगे, लाइक एकदम 0 नंबर के कुछ स्टोन्स आते हैं ना, तो ये आपको नियर बाय कोई भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाते हैं, राइट, जहाँ पे ज्वेलरी के लिए मटेरियल्स मिलता है वहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा फेविकॉल चाहिए। चलो अभी थोड़ा सा स्टोन वर्क ऐड कर देते हैं, तो मैं ये जो हमारा डार्क शेड है ना उस पर मैं थोड़े वाइट के स्टोन्स लगाऊंगी। थैंक यू कृष्णा मैम। एकदम स्मॉल बारीक वाले स्टोन है। थोड़ा सा अगर फेविकॉल टच किया टूथपिक को तो इजीली आप इस तरह से लगा सकते हैं। ओके,
यस मीका मैम, 3D आउटलाइनर्स के डॉट्स है ना, वो भी अच्छे लगते हैं। ओके, बट वो ग्लॉसी नहीं होते हैं, या फिर एक अलग स्टोन का एक अलग रिचनेस है। डॉट्स भी अच्छे लगते हैं, वो प्लेन लुक देगा। ये थोड़ा अगर स्टोन्स वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा हेवी लुक आ जाता है। हेलो सपना जी, ओके ठीक है। आप 3D आउटलाइनर से गोल्डन डॉट, अलग अलग कलर के डॉट्स ऐड कर सकते हो, या फिर डिजाइंस बना सकते हो। जैसे कि अभी थोड़ा ये छोटा है ना, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं पहन पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा ब्रॉड बॉर्डर है ना, तो आप उसमें कुछ जिगजैग वाला डिज़ाइन या कुछ पैटर्न जैसे बॉर्डर के जैसे ऐड कर सकते हो। मैं बाकी कलर के स्टोन्स भी ऐड करूंगी इसमें। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत कम मेंबर्स भी हैं एंड मेरा अभी कंटिन्यूशन में क्लास भी है ना। इसी इस कल संडे है, कल ऐसे ही आफ्टरनून में मैं लाइव आके ये कंप्लीट करूँगी। इसमें अभी हमें स्किन कलर के लिए काम करना है, कलरिंग करना है, शेडिंग करना है, देन उसमें स्किन में भी ग्लॉसी इफेक्ट ऐड करना है, एंड थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, राइट? तो तब तक आप ये शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेंबर्स। जो है कल का सेशन ज्वाइन कर सकेंगे।
एंड देन हम इसे कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे। एंड आप देखना कितना प्यारा शाइनी एंड प्यारा इफेक्ट आया, जो कि हमारे नॉर्मल इससे हमें नहीं मिल पाता है एक्रेलिक कलर से। ओके, थैंक यू नूर मैम, थैंक यू सपना मैम। सो ज़रूर कल का सेशन भी अटेंड करिएगा एंड ज़रूर ये ट्राई करिएगा। मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसके बाद में हमने पूरा ही वर्क टोटली क्लास में ही किया है ना, तो अगर आपने पहले का सेशन नहीं देखा है तो पेज पे सेव है, देख लीजिए एंड आप काम कर सकते हो। ओके, बाय बाय।